हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी, वन स्टेप अहेड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर दोस्तों आज एक जो है रिट लगी हुई थी लखनऊ खंडपीठ के अंदर, जिसको लेकर सुनवाई जो कोर्ट नंबर 23 के अंदर थी और जस्टिस राजेश सिंह चौहान जो है इसकी सुनवाई करने वाले थे। आप सभी अच्छे से जानते हैं जस्टिस राजेश सिंह चौहान ने दोस्तों कट ऑफ प्रकरण को लेकर सुनवाई की थी, जिसको लेकर अभी तक उन्होंने ऑर्डर को रिजर्व रखा हुआ है। तो उस पर सारी की सारी जानकारी दोस्तों मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जैसे कि आप सभी को नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो जैसा कि दोस्तों आज आप सभी को पता है कि लखनऊ खंडपीठ के अंदर इसकी जो है सुनवाई होनी थी, मैंने आप लोगों को सुबह ही बता दिया था और कल आप लोगों को इस नए केस के बारे में जानकारी जो दे दी थी कि ये पेपर कैंसिल को लेकर रेट लगी। और बिल्कुल सही बात है दोस्तों, पेपर कैंसिल को लेकर ही रेट लगाई गई थी, जिसको लेकर सिर्फ और सिर्फ अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो 15 से 20 मिनट इस केस को सुना गया कि मतलब यह था कि सिर्फ और सिर्फ अपने जो उनके तरफ से सबूत जो पेश किए गए थे पेपर कैंसिल को लेकर, उनको जज साहब के सामने जो पेश किया गया, जज साहब ने उनको पढ़ा, थोड़ा सा समझा और कुछ समय तक जो है इस पर बहस हुई, बट सरकार की तरफ से कोई भी जो है इस पर जवाब नहीं था उस टाइम। सिर्फ और सिर्फ इस पर जो है बहस की गई 15 मिनट, उसके बाद जज साहब ने इसकी जो डेट है उठा करके अगली डेट लगा दी, वो लगाई दोस्तों 4 अप्रैल 2019। जी हाँ दोस्तों, इस केस को जो है कहीं खास ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं दी गई, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बोला था कि पेपर कैंसिल को लेकर इलाहाबाद खंडपीठ के अंदर पहले ये केस लगा हुआ, उसके बाद एक और केस जो है दायर किया गया था उसके साथ पहले ही अटैच कर दिया गया है। तो इस केस को जो है कोई खास जो है तवज्जो नहीं मिली आज लखनऊ खंडपीठ के अंदर, जैसा कि मैंने आज आप सभी को बता दिया था। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये बात जो है यहाँ साफ हो रही है कि अब जो ऑर्डर है वो जल्द से जल्द पब्लिश होने की उम्मीद है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है 19 मार्च वाला जो केस है दोस्तों, ओबीसी जो प्रकरण को लेकर केस लगा हुआ, आप सभी को मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया इस मैटर को लेकर कि उसकी जो सुनवाई है वो आगे नहीं लगाई जा रही है, ना ही बीएड को लेकर कोई आगे सुनवाई हो रही है। दो ऐसे केस हैं जिनकी ना तो कोई स्टेटस अपडेट किया गया है और ना ही उसका कोई जो आगे की सुनवाई को लेकर कोई डेट मिल रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कह सकते हैं कि अब ये दो केस जो है सीधे के सीधे दोस्तों उस ऑर्डर पर डिपेंड कर रहे हैं। जैसे ही ऑर्डर आएगा उसके बाद ही कुछ फाइनल होगा कि इन दोनों केसों की जो है सुनवाई आगे होगी कि नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों दोनों चीज़ें जो अब डिपेंडेंट हो चुकी हैं ऑर्डर को लेकर, इसीलिए अब जो उनकी आगे सुनवाई नहीं हो रही है। बिकॉज आप सभी को पता है इलाहाबाद खंडपीठ के अंदर पहले ये केस लगा हुआ है जो कि दोस्तों ओबीसी को लेकर लगा हुआ था, और इधर बीएड को बाहर करने को लेकर कुछ लोगों ने रिट डाली थी, उसको लेकर भी दोस्तों आगे की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और आज जो केस लगा था उसकी आगे सुनवाई लगा दी 4 अप्रैल 2019 को लेकर। तो इससे कहीं ना कहीं इतना साफ हो सकता है कि अब जल्द से जल्द ऑर्डर जो है पब्लिश होने वाला है। मैंने पहले ही आप सभी को बोला है कि आप लोगों का इंतजार जो है जल्द से जल्द खत्म होने वाला है। जो आप लोग दोस्तों परेशान हो रहे हैं, जितने भी लोग दोस्तों इस 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड है, मैं उन सभी को बोल देना चाहता हूँ कि आप लोगों का दोस्तों इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा जो दोस्तों कोर्ट में लंबित है, जल्द से जल्द इसकी जो प्रक्रिया है वो भी शुरू होगी। तो आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, जल्द से जल्द आप लोगों के सामने ऑर्डर आ जाएगा। और जैसा मैंने आप सभी को बता दिया था इस केस को लेकर कि इस केस को कोई खास तवज्जो नहीं मिलेगी, और वैसा ही दोस्तों आप लोगों को देखने को मिला है, कोई केस को जो तवज्जो तो नहीं मिली है, बट इससे इतना फाइनल हो रहा है कि अब जल्द से जल्द आप लोगों के सामने जो ऑर्डर है वो पब्लिश होगा। अब ऑर्डर में क्या होगा इसको लेकर दोस्तों जो आप लोग सवाल पूछते हैं कि सर कट ऑफ कम होगी, ज़्यादा होगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, मैंने आप सभी को पहले ही बोल दिया है, थोड़ा सा वेट कर लिए, जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना कहीं ना कहीं क्रिटिकल होगा, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाली बात हो जाएगी। तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार करें और ऑर्डर जो है दोस्तों जैसा मैंने आप सभी को बताया जल्द से जल्द आप लोगों के सामने जो है देखने को मिलेगा, और उम्मीद जताई जा रही है कि ऑर्डर इसी हफ्ते तक आप लोगों के सामने आ जाए। सो गाइज, ये थी अभी की लेटेस्ट अपडेट जो लखनऊ खंडपीठ से लेकर के आया था आप लोगों के लिए। आई होप कि आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।